ये यहाँ पर हम यूज करेंगे, देखिए इधर वॉल्यूमेट्री और इधर क्या है सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल है और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। हम इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, कौन से फॉर्म से चेंज करेंगे, cos डायवर्जेंस। फर्स्ट यूनिट में अकॉर्डिंग टू cos डायवर्जेंस आपको क्या पता है किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल उसी वेक्टर के डायवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू गॉस डायवर्जेंस किसी भी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर के डायवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल है। किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है साइन अल्फा में रिलेशन बताना है आपको, या फिर क्लासेस मोस्ट ऑफ इक्वेशन जिसे बोलते हैं, या फिर आपसे वो इक्वेशन दे देगा क्लासेस मोस्ट ऑफ और उसको प्रूव करना है। इसके लिए आपको पता क्या है,
कैपेसिटर प्लेट है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स कैपेसिटर प्लेट्स है क्योंकि सरफेस पे चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो मान लिया हमने सिग्मा एफ क्योंकि वो वैक्यूम में है मतलब खुली हुई है तो सिग्मा एफ प्लस सिग्मा एफ एंड माइनस सिग्मा एफ अब इसके बीच में हमने कोई डाइइलेक्ट्रिक रख दिया अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि डाइइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो पहले तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है उसका डाइपोल जीरो होता है बट उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखते हैं तो उसमें बाय द पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है इंड्यूस हो जाता है
जिसमें से आपने ये माना है कि इस डाइलेक्ट्रिक के सेंटर पॉइंट ओ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब से कैपेसिटर प्लेट में रखे हैं तो वो फोर फिल्म फील्ड से इक्वल होता है, ठीक है, सम ऑफ फोर इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्वल होता है, जिसमें से ई जीरो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने एक्सटर्नली लगाया है, ई वन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हुए हैं जिससे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ई टू कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस पोलराइज्ड स्फीयर, ई थ्री कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इसके अंदर जो एटम्स और होंगे पोलराइज्ड उसका टोटल चार्ज भी जीरो है बट कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनकी वजह से, बट ये है जैसे इस एटम के अंदर पोलराइज्ड एटम के अंदर ऐसा माना है, ठीक है, इसके अंदर सभी एटम्स इस तरीके से हैं, ठीक है, तो सबका क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तभी तो यहाँ पर सरफेस पर पॉजिटिव आया है, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव है, इन सबका डायपोल मोमेंट क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और सबका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉजिटिव, इनका भी सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कुछ ना कुछ, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, तो ई थ्री सर्कली जीरो ही लेते हैं, इसके बारे में आपसे कभी डिस्कस नहीं किया था, जैसे स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, हां स्फीयर के अंदर जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होते हैं ना उन डायपोल मोमेंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली उसको जीरो ही मान लेंगे क्योंकि सबका नेट डायपोल मोमेंट भी होते हैं नेट चार्ज भी होते हैं सबके डायपोल मोमेंट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो कुछ का डायरेक्शन ऐसे होगा कुछ का ऐसे होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है वैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, तो ई थ्री को हम जल्दी जीरो ही लेते हैं, ठीक है, इसको लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ई जीरो, ठीक है, ई जीरो इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कैपेसिटर प्लेट, ठीक है, ड्यू टू कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है, हमने दीजिए एक एक को पढ़ लेंगे फिर सबका वैल्यू इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे, देखिए सबसे पहले ई नॉट ले गया ई नॉट यहां का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है, तो वो ई नॉट कितना हो जाएगा हमारा ई नॉट इज इक्वल टू इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा एफ बाय एप्सिलॉन, सिग्मा एफ बाय एप्सिलॉन, अब ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इज सिग्मा एफ बाय एप्सिलॉन, बाद इवन इवन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू बाउंड चार्जेस, जो बाउंड चार्जेस जो सरफेसेस पर इंड्यूस होते हैं ना डाइलेक्ट्रिक के उनकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव यहां पर, तो वो बाउंड चार्ज का डेंसिटी कितना लिया है हमने सिग्मा पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन, ठीक है, तो इवन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव होगा ना इवन इलेक्ट्रिक फील्ड
और ई नॉट के क्या है वो या फिर यहाँ पॉजिटिव कर सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव बात है क्योंकि ई जीरो ई वन का डायरेक्शन क्या है सिग्मा पी लिखेगा चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस ठीक है सिग्मा पी से चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस उसके बाद में है इलेक्ट्रिक फील्ड इमेज बनी जो हमने इमेज बनी क्या कंसीडर किया है एक पोलराइज्ड स्फीयर ठीक है एक स्फीयर कंसीडर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इमेज बनी पोलराइज्ड स्फीयर हम इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अब उस पॉइंट पर क्या हुआ एक तो एक्सटर्नल भी लगेगा एक इसके इंड्यूस की वजह से भी लगेगा एक इस पोलराइज्ड स्फीयर की वजह से भी लगेगा पोलराइज्ड स्फीयर की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा पॉजिटिव से नेगेटिव उसको आप क्या बोलते हैं ईपीवी बोलते हैं ना पोलराइज्ड स्फीयर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ईपी और ईपी का डायरेक्शन देखिए यहां पर ई नॉट के इक्वल ही है सेम डायरेक्शन में है ईपी का नॉट का डायरेक्शन तो इसको Thank you.
जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो आपका दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है बाय द इंड्यूस चार्ज, इन दोनों का जो सम है उसको उस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बोलते हैं। डिजाइन कर लेना अभी सर।